दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों यूपी टेट के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं यूपी टेट एग्ज़ाम 2022। दोस्त आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम जो आपका संपन्न हुआ है, जो है 23 जनवरी को, उसके उपलक्ष्य में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा जा रहा है 20,000 अभ्यर्थियों का कैरियर दांव पर। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कैसे विद्यार्थी हैं कि जिनका कैरियर इतनी बड़ी संख्या में दांव पर लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे आप देख पा रहे हैं कहा जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती, यह चीज़ आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था। जब से यह यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है रिजल्ट घोषित हुआ है तभी से आपका कमेंट आ रहा है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, ठीक है। और भी कमेंट ये आ रहे थे कि जो लोग यूपी टेट या सीटेट में फेल हुए हैं वो लगातार पूछ रहे हैं कि सर जो नया यूपी टेट होगा वह कब तक कराया जाएगा, और ये यूपी टेट और सीटेट में अंतर थोड़ा सा आप जानना चाह रहे थे। इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं दोबारा घोषित होगा रिजल्ट। आज की जो अपडेट निकल कर आई है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका जो भी यूपी टेट का मामला है वह हाईकोर्ट में गया हुआ है, क्योंकि 6 अंक विवादों के घेरे में चल रहे हैं और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो भी 6 अंक विवाद में चल रहे हैं आपको 3 नंबर मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो नई शिक्षक भर्ती का मामला है। अच्छा, उससे पहले आप यह जानिए क्या शिक्षक भर्ती से पहले टेट और सीटेट हो सकता है। देखिए अगर हम बात करें टेट और सीटेट की तो आप नई शिक्षक भर्ती से पहले टेट और सीटेट होने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो विगत 3 से 4 दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान यही आ रहा था कि अभी नई शिक्षक भर्ती का कोई भी प्रपोजल तैयार नहीं है। एक चीज आप जानते हैं किसी भी चीज का प्रपोजल तैयार करने के लिए थोड़ा सा वक्त और समय लगता है, ठीक है। इसलिए यह उम्मीद लगाई जा रही है कि नई शिक्षक भर्ती से पहले आपका जो यूपी टेट और सीटेट है वह एक बार होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अभी बीच में टेट का मामला चल रहा था, वह टेट पर एक चीट वायरल हो रही थी कि जो भी नोटिफिकेशन आपका आएगा वह बहुत जल्द से जल्द जो है 2022 का नोटिफिकेशन आएगा। 2022 में तो आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, लेकिन दोस्तों वह 2022 का नहीं था, वह 2021 का यूपी टेट का एग्जाम हुआ था। ऐसा नहीं है कि अगर 2022 में आपका टेट हो गया तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2022 में 100% आपका टेट होगा। सवाल आपके मन आप पूछ रहे थे कि शिक्षक भर्ती से पहले, बिल्कुल हाँ, शिक्षक भर्ती से पहले आने की प्रबल संभावना है, बट दोस्त 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन यह मान के चलिए कि 90% चांस यही दिख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती से पहले आपका जो यूपी टेट है वह होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, आप सीटेट के बारे में पूछ रहे थे। देखिए कुछ लोग जो है, अगर आपने प्राइमरी या जूनियर का सीटेट पास हैं, चाहे आप टेट पास हों चाहे आप सीटेट पास हों, दोनों में से आपको एक चीज़ पास होना अनिवार्य है। अगर आप किसी एक को पास होते हैं, जैसे अगर हम सपोज डेट की बात करें, आप प्राइमरी वाला टेट पास हैं, ठीक है, सॉरी प्राइमरी वाला सीटेट अगर आप पास हैं तो आप यूपी में प्राइमरी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप जूनियर का सीटेट पास हैं तो आप जूनियर के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कंपल्सरी टेट ही है पास होना, ठीक है, नहीं। आप चाहे टेट पास हो चाहे सीटेट पास हो, आप किसी एक परीक्षा को जब पास कर लेते हैं तो आप जो भी सुपर टेट की वैकेंसीज आती है आप उसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। नीचे लिखा जा रहा है, यहां देखिए ऊपर देख पा रहे हैं आप कि नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। देखिए जहां तक यह संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस वर्ष तो आने की संभावना कम है, फिलहाल के लिए अगर आ जाता है तो आपके लिए बेहतर है, थोड़ा सा उनके लिए समस्या होगी जो बच्चे टेट और सीटेट अभी क्वालिफाई नहीं हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप टेट और सीटेट के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि संभावना यही है कि नई शिक्षक भर्ती से पहले एक बार टेट 100% होना सुनिश्चित होगा, ठीक है। अब आने वाला यह वक्त बताएगा कि कैसे क्या होता है, फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। 20,000 अभ्यर्थियों का कैरियर दांव पर, यह चीज आप यहां देखिए सबसे ऊपर लिखा जा रहा है, यह NIOS जो DLED किए हुए हैं उनके लिए है, ठीक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से DLED करने वाले 20,000 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2021 का परिणाम फंस गया। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इन अभ्यर्थियों के TET में शामिल तो कर दिया था, लेकिन परिणाम घोषित करने के बजाय अब विभाग एकल पीठ आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने जा रहा है। इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तैयारियां शुरू कर दी है, शासन की अनुमति मांगी है। TET
शामिल अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लेकर आ रहा है, यानी कि जो NIOS से DLED किए हुए हैं, ठीक है, उनका अगर रिजल्ट जारी हुआ है तो उनमें कोर्ट केस लिख के रिजल्ट उनका घोषित हुआ है। नीचे यहाँ आप देख पा रहे हैं एक अपडेट और नजर आ रही है, बगल में आप यहाँ देखिए कि यहाँ कहा जा रहा है कि TET और शिक्षक भर्ती में किया था माने। यह पटना की अपडेट है। पटना अगर हम बात करें 2020 में NIOS से जो DLED किए हुए थे उनके लिए 2020 में प्राइमरी के शिक्षक के लिए एलिजिबल किया हुआ था, तब से यह NIOS DLED चल रहा है फिलहाल के लिए। अब UP में कैसे क्या होता है, अभी तो इनके रिजल्ट पर रोक लगाया गया है, अब आने वाला वक्त बताएगा कि इनका रिजल्ट कैसे क्या होता है। तो दोस्त मैं आपसे कहना चाहूँगा एक चीज़ और, आप पूछ रहे थे जो कोर्ट केस का मामला है उसमें क्या हुआ, तो जो भी है आपका रिजल्ट जब भी अगर जैसे अगर दोबारा घोषित होता है तो सबके नंबरों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। वैसे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं किया जा सकता कि दोबारा रिजल्ट घोषित होगा, लेकिन जैसा भी होता है कुछ भी होता है मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको अपडेट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।